अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। आज हम लोग जाएंगे फूड ट्रक, नॉनवेज फूड ट्रक जाएंगे, दावत फूड ट्रक जिसका नाम है, जो कि चिकन हब के पास में शास्त्रनगर में खड़ी रहती है। सबसे बड़ी बात, ये पहली नॉनवेज फूड ट्रक है जो कि एक लेडी रन कर रही है। इनकी जो ओनर है वो एक लेडी है जिनका नाम है खुशनू शेख। और सबसे बड़ी बात है, वो घर से घर जो भी शेफ़ हैं वही खाना बनाती हैं, होममेड खाना है। और वहाँ की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है, चिकन बिरयानी, और मटन का जो लाल मांस है वो बहुत ही फेमस है। चलिए वहाँ चलते हैं, सीधा वहाँ चलते हैं, खुशनूद मैम से मुलाकात भी करेंगे, वहाँ खाना भी खाएंगे। साथ में ताहा है और किस्वा रानी हमारे साथ है। चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ पर खाना खा के ट्राई करते हैं, लाल मांस ट्राई करेंगे और बिरयानी ट्राई करेंगे। अपन सर्कल पे आ चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सर्कल पे ये दावत फूड ट्रक जो नॉनवेज की है वो यहाँ पे खड़ी थी। अपन जब यहाँ से चिकन हब यहाँ पे था, अब अपन जब यहाँ पे राइट में लेफ्ट पे जाएंगे ना, तब ये देखिए सामने खड़ी हुई है और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, देखिए अब फूड ट्रक दावत फूड ट्रक के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और अब हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आएंगे। मेरे पीछे देखिए आप, ये फूड ट्रक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ की जो मैम है ये खुद घर से खाना बनाते हैं, और यहाँ के जो शेफ़ हैं वो मैंने जैसे बताया था खुशनूद मैम है, जो कि यहाँ पे पूरा हैंडल करते हैं। और ये फर्स्ट यहाँ पे जो नॉनवेज की फूड ट्रक है जो कि एक लेडी रन कर रही है, जो कि सबसे बड़ी बात, सारा खाना जो है वो होममेड है। और इससे ज़बरदस्त क्या चीज़ हो सकती है। मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे एक चिकन बिरयानी का भी फेमस है और लाल मांस का भी फेमस है। चलिए यहाँ का मेन्यू देखते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे, फैमिली साथ में है और आपको पता ही मुझे खाने का कितना शौक है। पूरा मेन्यू मैं देखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे चिकन टिक्का है, समोसा, ये शायद मेन्यू में नहीं है, इसलिए शायद इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे लगा हुआ है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए मेन्यू देखते हैं, फिर अपन लोग ऑर्डर करेंगे। तो मेन्यू मेरे पास है, मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको जैसे मैंने बताया था मैं बिरयानी ऑर्डर करूँगा और लाल मांस भी ऑर्डर करेंगे। चलिए मेन्यू दिखाते हैं आपको पहले। तो ये इनका मेन्यू है, दावत के नाम से है। और सबसे बड़ी बात, माशाल्लाह ये सब कुछ चीज़ जो ये लोग सर्व करें सब हलाल है। इनके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं और इनका मेन्यू दिखा था आपको। तो ये इनके अंदर करीज़ है, लाल मांस हो जाएगा, तवा चिकन है, चिकन मसाला है, एग करी है, चिकन बिरयानी जो मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी ज़बरदस्त है, रोस्टेड है, चिकन दाना है, सैंडविचेज़ हैं, रोल्स हैं, और काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन जो भी इन्होंने इसमें जो भी मेन्यू में रखा है वो सब मुझे लग रहा है जो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसीलिए इन्होंने लिमिटेड जो मेन्यू रखा हुआ है। एडवांस मैंने आपको बता दिए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक लाल मांस ऑर्डर करेंगे और एक चिकन बिरयानी ऑर्डर करेंगे, और मैम से पूछेंगे और क्या ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा मैंने आपको मेन्यू दिखा दिया है, लोकेशन मैं इनकी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, नंबर भी डाल दूँगा, नहीं मिले तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं पूरा आपको अंदर से दिखाता हूँ, मैम खुद हाथों से बना रही है। हेलो मैम, हाउ आर यू? हम लोग यहाँ आ गए हैं मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग, मतलब मुझे सबसे अच्छा कब लगता है जब एक लेडी वर्क करती है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है। जोधपुर की फर्स्ट मुस्लिम लेडी होंगी जो मैं ऑपरेट कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है ना मैम। तो मैम ये सब आपका पूरा सेटअप है माशाल्लाह, देखिए मैम का एकदम खुद मैम अपने हाथों से बना रही है। और सबसे बड़ी बात, ये घर का खाना है, होममेड 100%, कुछ भी बाजार के मसाले ऐड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब घर के खाने की बात आती है तो घर का खाना का कोई मुकाबला नहीं है, नो डाउट। क्या बना रहे हैं आप? ये कबाब बन रहे हैं, मतलब कबाब सीख रहे हैं। तो आप लोग, आप हमें क्या बोलेंगे यहाँ पे, मतलब क्या मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए? बिरयानी आप ट्राई कर सकते हैं, बिरयानी, लाल गोश्त पसंद, लाल मांस जो है वो पसंद। और मैं ये भी ट्राई करूँगा, क्योंकि ये भी आप काफी जबरदस्त, समोसे वगैरह सब अच्छे हैं मेरे यहाँ। तो बटर चिकन भी मैं सब चीज ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा इनका मेन्यू, पूरा इनका किचन है, देखिए आप, हम खुद आज से काम करेंगे और सब कुछ साफ सुथरा काम है। और मतलब अगर अपन खुद साफ सुथरा है तो खाना भी अच्छा होता है, बिल्कुल हाइजीनिक फूड है। चलो ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो
हम लोग मतलब मैंने सोचा कि मैंने देखा चार ऑर्डर करूँगा, एक तो चिकन बिरयानी, दूसरा मटन समोसे, एक क्वार्टर लाल मांस और एक मैम जो टिक्का लगा रही है। तो मैंने चार ऑर्डर दिए हैं, एक तो चिकन बिरयानी मैंने ऑर्डर दिए, एक मैंने मटन समोसा ऑर्डर दिए हैं, एक मैंने जो मैम जो टिक्का बना रही है वो मैंने ऑर्डर किया है और एक मैंने क्वार्टर लाल मांस ट्राई मतलब मैंने ऑर्डर किया है। ये चार चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मैं यहाँ का भी ट्राई करता हूँ और मैम अपने हाथ से बनाए तो बेशक खाना अच्छा ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जो समोसे हैं वो मैं ट्राई करता हूँ, समोसे और ये मेन बात है, मुझे जब नॉनवेज की बात है मुझे ज़्यादा स्टार्टर्स पसंद होते हैं, मेन कोर्स मैं कम ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन यहाँ का ट्राई करेंगे। चलो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जो चटनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और पूरी स्टफिंग देखें आप, सब कुछ एकदम फ्रेश है और एकदम घर जैसे हैं, क्योंकि मैम जैसे मैंने बताया मैम सब अपने हाथों से यहाँ पे बना रही खाना, तो समोसे जैसे घर में बनते हैं वैसे के वैसे हैं। अब हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ट्राई करते हैं। वाकई में ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि घर में मैं खाना खा रहा हूँ, दोनों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चीज़ें हम लोग ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर अपन लोग मेन कोर्स ट्राई करेंगे। चलिए जो मैंने जो स्टार्टर्स लिए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अब हम लोग वेट कर रहे हैं हमारा जो मेन कोर्स है। एक तो मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की है और लाल मांस मैंने ऑर्डर किया है, लाल मांस मैंने यहाँ पे क्वार्टर नहीं है हाफ है और लाल मांस हमारे राजस्थान का काफ़ी फेमस भी है। तो स्टार्टर्स हो गए हैं, अब दोनों मेन कोर्स ट्राई करते हैं इंशाल्लाह जैसे। और एक और बात मैं बताऊँ, जिसके स्टार्टर्स अच्छे होते हैं ना उसका मेन कोर्स भी अच्छा होता है, ये एक मेरा रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं चाहे कहीं भी खाना खाऊँ अगर स्टार्टर्स अच्छे हैं तो मेन कोर्स अच्छा हो ही होगा। चलिए मेन कोर्स का वेट, ये जो हमारा जो लाल मांस है और जो बिरयानी है वो आ चुका है माशाल्लाह। देखिए आप बिरयानी के जो चावल एकदम टॉप क्वालिटी के और सब खुले हुए हैं, मतलब जब बिरयानी की बात आती है तो जब चावल खुले हुए होते हैं और एकदम टॉप क्वालिटी चावल तो खाने में मज़ा आता है। लाल मांस का आप कलर देखें, कलर से भी पता चलता है कि खाना कैसा बना होगा। तो चलिए हम तो शौकीन हैं, हम लोगों को हम क्या नहीं खा सकते माशाल्लाह। तो ये दोनों ट्राई करते हैं फिर एंड में जाके रिव्यू देंगे, इनका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आराम से इसका लोकेशन मिल जाए। चलिए पहले मैं लूँगा बिरयानी, बिरयानी ट्राई करते हैं। और जब बिरयानी की बात आती है तो आपको पता है मैं हाथ से, मुझे हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है, जब बिरयानी हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए पूरी जो चिकन वो गल चुकी है और बिरयानी मैंने देखा है कि मैंने सब जगह तो नहीं लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है कि इसको पूरा खिचड़ी बना देते हैं जिसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन इसमें जो मसाले हैं वो एकदम प्रॉपर है। अगर आप ये जो प्रोपोर्शनल चावल और दोनों की बात करेंगे तो वो बड़ा मतलब एकदम प्रोपोर्शनल परफेक्ट है। चलिए ट्राई करते हैं, वाकई में ज़बरदस्त है माशाल्लाह बिरयानी, ऐसा लग रहा है कि मैं घर पे खाना खा रहा हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में ऐसी बिरयानी मतलब बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसी बिरयानी मिल जाए। एकदम जो मैम जो बना रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना रही है, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है। ट्राई कर लिए, अब हम लोग लाल मांस ट्राई करेंगे क्योंकि हमारे राजस्थान का काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी फेमस भी है, स्पाइसी भी होता है, इसमें काफ़ी सारे मसाले भी जाते हैं और सबसे बड़ी बात लाल मांस की बात ही कुछ और है। यहाँ पे आपको तवा रोटी भी मिल जाएगी और सबसे घर में तवा रोटी जैसे मिलती है वो मिल जाएगी आपको, तो मैं ट्राई करता हूँ उसको और आप बता दो मुझे कैसा लगा। जो गोश्त है पूरा गल चुका है, टेंडर है माशाल्लाह, और ऐसा नहीं कि पूरा गला हुआ है, एकदम परफेक्टली जो कुक होता है वो इन्होंने किया हुआ है। ट्राई करते हैं, वाकई में ज़बरदस्त माशाल्लाह। आपको घर का खाना खाना है तो आप दावत का जो फूड ट्रक के वहाँ पे आप ज़रूर आएँ, मैं सब ख़त्म करता हूँ फिर एंड में जाके आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह और रिव्यू भी देंगे। अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ और हम लोग स्टार्टर्स ऑर्डर करेंगे, फिलहाल ये ख़त्म करते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं कुछ और ऑर्डर करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना खा लिया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त रहा खाना,
मैंने यहाँ पे जो जैसे मैंने बिरयानी ली थी, मैंने समोसे लिए थे, मैंने जो कबाब्स होते हैं जो टिकिया हम लोग कहते हैं वो मैंने ली थी, तो आप लोग भी जहाँ पे जो मैंने लिया है वही आप लोग ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात घर का खाना जो आपको खाने को मिलेगा, और ये वैन की जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनके नंबर भी डाल दूंगा ताकि आप आसानी से वहाँ पे जा सकें। चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ अगर आपको घर का खाना पसंद है, और बिरयानी अगर घर की आपको पसंद है तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। चलिए यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। आप शादाब टॉक्स को देखते रहें, हमें दुआ में याद रखें, और आपको बताइए शादाब आपकी दुआ के बिना कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।